आयशा खान कितनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है ये चीज़ तो आयशा खान की बात से पता ही चल गई है, मुझे तो पता चल गई है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि आयशा खान कितना प्री प्लान करके आई है, कितना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। और आयशा से जो है पूछते हैं नील और ऐश्वर्या कि तूने आखिरकार अपनी मेजॉरिटी जो है अपना डिसीजन उसको क्यों दे दिया, यानी कि ईशा को। ईशा जो है घर की नई कैप्टन बन चुकी है। अब जो टीम जीती थी, जो कि अंकिता विक्की की टीम जीती थी, उसमें ईशा भी थी, तो सब लोगों को आपस में डिसाइड करना था कि कौन घर का नया कैप्टन बने। जहां पर ईशा की तरफ ज़्यादा वोट गई और आयशा ने भी जो है ईशा को ही वोट दे दी। और फिर ये बोलती है कि क्यों मेरा उसके साथ कोई पंगा नहीं है ऐश्वर्या, और मेरा किसी के साथ भी, मुझे अच्छी लगती है ईशा, और मुझे अंकिता से भी कोई पंगा नहीं है, मुझे विक्की से भी कोई पंगा नहीं है, और मुझे इस वक्त नहीं चाहिए कोई इम्यूनिटी। मुझे पता है मैं बहुत आगे तक जाने वाली हूँ और मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊँगी, और जब मुझे चाहिए होगा तब मैं पूछ के ले लूँगी। हाँ भाई, थाली में परोस रही है ना कि जब आपको चाहिए होगा तब पूछ के ले लेंगे, और इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ, मेरा है बस इतना है कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। ये बात जो है आयशा खान बोलती है ऐश्वर्या को। अभी आप ये बात सोचिए कि कितना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है इसमें कि जब मिलना हो, जब लेना होगा तब ले लूँगी, पर ये भी बात बोलती कि आयशा को मैंने ये बात बोली है कि अगर तुझे कैप्टनसी में कोई पावर मिलेगी तो वो पावर का इस्तेमाल जो है, वो पावर जो है मुझे उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है तुझे रखना पड़ेगा, जहाँ पर ईशा ने मान लिया। ये बात आयशा खान बोलती हुई नजर आ रही है, यानी कि आयशा खान नॉमिनेट भी हो गई तो भाई जाने वाली है नहीं, और मुनावा फारूकी के साथ सीन बना के आई है तो कैसे जाएगी, ओवर कॉन्फिडेंट ही है ना। और अभी आपका क्या कहना है, ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट है? यहाँ भाई इतना कंटेंट दे रही है, अगर ये पहले आती तो मज़ा ही आ जाता। आप क्या पसंद कर रही हैं आयशा खान को, बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।